So hi everyone, welcome back. So again, so we just now like अभी हुआ Lord Rinku, the famous Lord Rinku अभी एक improbable match को जिताया है for KKR. So first reactions on that, वही से start करते हैं. क्या कैसा लगा match, कैसा लगा पूरा? बहुत अभी तक के IPL का मुझे लगता है सबसे thrilling finish हुआ है. अभी तक कोई भी maximum matches एक over पहले या फिर डेढ़ over पहले ऐसे खत्म हो जा रहे थे, तो ये मुझे पहला match लगा last में. मतलब बॉलिंग भी बहुत खराब हुई, जैसा यश दयाल के हमने देखा जो प्रेडिक्टेबल लाइन से कर रहा था और वहां पे लास्ट में बैट्समैन को छक्के मारने के लिए जाना था और वो लूज डिलीवरी दे रहा था. लेकिन लॉर्ड रिंकू केकेआर की टीम मतलब सरप्राइजिंगली अभी तक बहुत अच्छी, मतलब जैसा मुझे लग रहा था कि सबको लग रहा था कि सिरेश टेयर के ना होने से हुआ, लेकिन टीम अच्छा किया, केकेआर को कन्विंसिंगली, आरसीबी को कन्विंसिंगली हराया और अभी जीटी के होम ग्राउंड में जाके जो अभी जैसा हैट्रिक के बाद भी जबकि वेंकटेश अय्यर, रसेल और नारायण लगातार डिलीवरीज पे आउट हो गए तो और उसके बाद बहुत बहुत बड़ी विन. तो अब तुम किसी टीम से चालू करो जैसा तुम्हें लग रहा है कि स्टार्ट जैसा हुआ. ओके सो पहले से लाइक लेट्स स्टार्ट फ्रॉम से मुंबई इंडियंस से. तो उन लोग का मतलब बॉलिंग पहले भी ठीक नहीं लग रहा था मेरे को, तो दे हैव लॉस्ट आई थिंक ऑल द मैचेस टिल नाउ जो भी हुआ है उन लोग का. तो ठीक है, मतलब उन लोग का लाइक आई डोंट थिंक इवन रोहित शर्मा या द बैट्समैन भी उतना परफॉर्म नहीं कर रहे उन लोग का, और बॉलिंग तो है ही उनका वीक थोड़ा, तो उसका थोड़ा ट्रिकी लग रहा है हमको इस सीजन. तो ऐसा ही एक हो सकता है. तो सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन एमआई का क्या है? एमआई का जैसा हमने बोला था कि बॉलर तो वीक है, उनके बस जोफ्रा आर्चर पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा था क्योंकि पीयूष चावला वो सब उस लेवल के स्पिनर रहे नहीं जो कि मतलब जैसा इंपैक्ट डालते हैं राशिद वगैरह. तो बैट्समैन उनका एकदम बिल्कुल ही नहीं चला है, जो भी बड़े बड़े नाम थे एक मैच में तिलक वर्मा ने जो खेला उसके अलावा मतलब कोई टॉप ऑर्डर ना रोहित, और लास्ट मैच में जैसा लग रहा था कि ईशान चलेगा लेकिन फिर थोड़ा 30 और 35, 32 पे वो आउट हो गया. तो ये उनका बैटिंग पूरी तरह से फ्लॉप हुआ और अभी भी सूर्य कुमार को मुझे वो हैट्रिक डक्स का थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है कि वो पुल के नहीं थोड़ा सा, तो एक अनलकी डिसमिसल कह सकते हैं. तो मेरे ख्याल से अभी तक एमआई एक्सपेक्टेड परफॉर्म कर रहा है, जैसा मुझे लगा था वो बॉटम हाफ में फिनिश करेगी. अब फिफ्थ करे और टेंथ करे वो अलग बात है, लेकिन वो बॉटम हाफ में टीम मतलब नीचे रहने वाली है ये मुझे लग रहा है. और अभी जैसा सीएसके के बारे में क्या कहना है? CSK looking good, मतलब उतना मतलब before the start of the season ही मतलब feel हुआ था कि like उन लोग का team ठीक ठाक ही है, उतना खराब कुछ नहीं है उन लोग का. but फिर like अजिंक्य रहाणे ने जो last match मतलब open करके fastest इस season का मारा है half century, तो मतलब वो भी तो मतलब even like उन लोग का मतलब उतना मतलब देश पांडे जो bowler है वो भी wicket ले रहा, तो मतलब उतना name उतना बड़ा नहीं है पर मतलब performance अच्छा कर रहा है उन लोग का सभी कुछ. बट वही है, तो मतलब सो आई थिंक दे कैन बी इन द टॉप फोर अलॉन्ग विद तुम्हारा वो क्या आरआर का, आरआर और सीएसके में मुझको लग रहा है एक जाएगा टॉप फोर में किसी कोई एक. सो वही है, तो सीएसके या व्हाट आर योर थॉट्स ऑन सीएसके? सीएसके की बहुत सही मतलब टीम उतनी अच्छी नहीं होने के बावजूद इन केस ऑफ बॉलिंग वो बहुत मतलब अच्छे से एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं. जैसा हमने देखा कि डेवन कॉनवे वैसा नहीं चला तो रहाणे आके मतलब अपने चांस को बनाया, और सीएसके जैसा लग रहा है कि एक मतलब जो रिटायर्ड प्लेयर्स है और 30 प्लस प्लेयर्स है उस टाइप को बहुत अच्छा ग्रूम करता है या फिर एजेड प्लेयर, क्योंकि जैसा हमने वाटरसन के साथ देखा, उथप्पा के साथ देखा, वो एक सीजन फ्लॉप होने के बाद भी उथप्पा ने अच्छी पारी खेली थी कुछ, तो वो टीम से मतलब मुझे उम्मीद है. और जैसा धोनी ने अभी तक थोड़ा बहुत ही दिखाया, धोनी की बैटिंग पे तो लोग मेनली उसके कीपिंग के पे ही है, लेकिन बैटिंग भी उसने जब तक जितना किया, पहले मैच में जीटी से माइनर हारे थे वो लोग, लेकिन उसके बाद से टीम अच्छी दिख रही है. मोइन वगैरह भी ठीक ठाक जैसा लग रहा है, तो मुझे ठीक है दिख, टॉप फोर में भी फिनिश करती हुई दिख रही है. बस मेरा एक इशू है वो एसआरएस मुझे लग रहा था फिनिश करेगी, लेकिन अच्छा अच्छा करेगी, लेकिन वो लोग मतलब इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऐसा कर रहे हैं, कोई टीम एक साथ आ नहीं रही है. किसी में उमेश ये उमरान मलिक बहुत पिट जा रहा है, किसी में आधे में, और बैटिंग भी जैसा हम लगा क्या मैक्रम तो अभी एक अभी जस्ट आया तो देखना होगा, लेकिन अभी भी टीम वो क्लिक नहीं कर पा रही वो टीम जैसा फायर पावर है उनके पास. एसआरएच का और एक भी तुम्हारा वो हैरी ब्रूक बहुत ऑक्शन में बहुत हाइप था उसका, तो वो भी अभी तक कुछ किया नहीं है, तो होपफुली और भी ज्यादा मैचेस मिलेगा उसको, तो देखते हैं क्या होता है. तो और लाइक इनिशियल स्टेजेस में जो कह सकते हैं कि अगर सब टीम को मिलाकर देखे तो लाइक स्ट्रॉन्ग कौन लग रहा है? स्ट्रॉन्ग तुम्हारा लाइक आई वोंट से आरसीबी स्ट्रॉन्ग लग रहा है बट ठीक ठाक है, मतलब एक मैच हारा है पूरी तरह से हारा है बट लाइक खराब डे ऑफ डे हुआ, लेकिन हाँ
जैसे कोहली भी जैसे फॉर्म में लग रहा था वो फंस गया, फिर बाकी बैट्समैन भी, लेकिन टीम अभी मुझे अच्छी लग रही है। और वैसे ही अभी तक इनिशियल फेज में मुझे एलएसजी ने सरप्राइज किया, काइली मेयर्स मतलब सर नहीं उम्मीद था कि उस हिसाब से, क्योंकि क्विंटन डिकॉक लग रहा था कि एक फिनिश है, तो उसकी बॉलिंग मार्क वुड ने एक मैच में डीसी को वो कर दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, वो बहुत अच्छा है। लास्ट सीजन उसने पूरा मिस किया था मार्क वुड ने इंजरी के चलते। तो एलएसजी टीम मुझे अच्छी लगी है, जैसा हमने देखा था कि डीसी फिर वही तीन के तीन हार चुकी है, तो डीसी के बारे में बताओगे कुछ, कितना मिस कर डीसी रहे का हो रोहित शर्मा को? थोड़ा मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग है, मतलब लगा वो हम लोग को एक मिड टेबल टीम लगाया, आई डोंट थिंक दे आर गोइंग टू बी इन द बॉटम हाफ, मतलब मिड ऐसे या मतलब 5-6 ऐसे पे रहेगा मुझको लग रहा है इस सीजन वो, मतलब स्टैंडिंग्स पे। तो डीसी का लाइक ओवरऑल लाइक उन लोग का बैटिंग तो स्ट्रांग है, बट उन लोग इतना क्लिक नहीं कर पा रहे, तो वही तो ये सब ही है। और बाकी सब हम लोग को अभी हाँ तो अभी और डीसी का भी और लाइक ओवरऑल लाइक पृथ्वी शॉ को हमको लग रहा है कि थोड़ा मतलब अभी चल रहा है थोड़ा आउट ऑफ थोड़ा फॉर्म, मे बी आई डोंट नो, तो उन लोग देखना पड़ेगा। डेविड वार्नर है, मतलब उन लोग का अगर क्लिक करेगा तो उन लोग बहुत रन बना सकते हैं, पर फिर देखना पड़ेगा कैसे क्लिक होता है। और वही तो सो डीसी का आई कांट इतना जल्दी होगा कमेंट करने के लिए, हमको लग रहा है इस सीजन वो इधर 4 या 5 5 या 6 को हमको लग रहा है स्टैंडिंग में रहेगा इस सीजन। अगर उनका वो बैटिंग लाइनअप जो हमें पहले देख के लग रहा था कि मिचेल मार्श है, पॉवेल है, वो सब अगर क्लिक करेंगे तो अच्छा चलेंगे, लेकिन अभी तक वैसा हुआ नहीं है। और बॉलिंग में भी जो सब कुछ मैक्सिमम चीज नौरकिया पे डिपेंड कर रहा था, तो नौरकिया भी पिटा है, तो देखना होगा। अक्षर को वो लोग को थोड़ा सा प्रमोट करना होगा ऊपर, क्योंकि बैटिंग लाइनअप में मैंने देखा कि अजीब कुछ शफल कर रहे थे वो लोग। और तो अक्षर को थोड़ा भी जैसा बैटिंग उसका वो अच्छा चल रहा है, तो उसको ज्यादा चांस बॉल खेलने का मौका देना चाहिए, तो वही है। और अब नेक्स्ट वी टीम आरआर और जीटी, ये बताओ। आरआर से स्टार्ट करते हैं, तो आरआर का एक मिक्स्ड है, मतलब 50% रिकॉर्ड है शायद, एक जीता एक हारा ऐसा कुछ है। तो उन लोग का हाँ उन लोग का देखो बैटिंग उन लोग का बहुत टॉप हैवी है, बटलर सैमसन जायसवाल ये सब मतलब सॉलिड प्लेयर्स है, मतलब मार सकते हैं बहुत 200 के ऊपर, तो बहुत सारा स्कोर वो लोग करेंगे हम लग रहा है इस सीजन। बट उन लोग का भाई हम लोग को बॉलिंग उन लोग का बॉलिंग थोड़ा हमको वीक लगता है, मतलब इन द स्पेशली डेथ ओवर्स में उन लोग का उतना सॉलिड हमको अटैक नहीं लग रहा है, तो मतलब मार मार सकता है मार भी खा सकता है उन लोग का, थोड़ा ऐसा ट्रिकी सिचुएशन है, तो देखते हैं क्या होता है। आई थिंक दे हैव द कैपेबिलिटी टू गो इनटू टॉप 4, सो वी हैव टू सी हाउ दैट वर्क्स आउट। वो टीम ने मुझे सरप्राइज किया, जैसा एक्सेप्ट अगर बीच के उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन को वैसा छोड़ दिया जाए, इवन ध्रुव जुवेल ने अच्छा किया था, बस रियान पारख थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, और जो तुम जैसा तुमने कहा डेथ ओवर, लेकिन उसके अलावा टॉप में अभी भी ट्रेंट बोल्ट वैसी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, और स्पिनर तो उनके पास है, तो हाँ एंड के ओवर्स और अगर वो एक फिफ्थ सिक्स बैट्समैन का अपना वो पूरा कर ले, इवन मैं तो चाह रहा हूँ कि वो हेड मायर को थोड़ा प्रमोट करें, अगर आपके पास जो रेन पर आ गए वो अगर 7-8 पे जैसा मैच के अकॉर्डिंग सिचुएशन आप उसको भेज सकते हो, लेकिन उस मामले में मैं हिट मायर को कंसिडर करूंगा, क्योंकि वो मैच वो अगर अगर आपको 180 या 190 जा रहे हैं तो वैसे प्लेयर आपको 220 तक ले आ सकते हैं, हाँ फर्स्ट इनिंग में स्पेशली, तो वो देखना होगा मुझे। और अभी गुजरात टाइटंस जो डिफेंडिंग चैंपियंस हैं उन लोग का अच्छा अच्छा टीम है, अच्छा स्टार्ट भी किया है, आज हार गए केकेआर से, ठीक है लाइक इट वाज एन एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, मतलब वन ऑफ बोल सकते हैं, मतलब हाँ टीम अच्छा है वो लोग, आई थिंक विल क्वालिफाई टू द टॉप 4 इफ मतलब कंसिस्टेंटली मेंटेन करे ऐसा परफॉर्मेंस, तो ठीक है। तो उन लोग का आई थिंक इज पहले भी बोला था, मतलब बिफोर द स्टार्ट ऑफ द सीजन दे आर अ गुड साइड, तो रशीद खान सब है सब, या इट्स अ गुड टीम। तो और मतलब अभी बात करते हैं, तो आई थिंक द टू टीम्स व्हिच हैज सरप्राइज्ड मी द मोस्ट दिस सीजन सो फार, लाइक जस्ट 1 वीक ही हुआ है, तो इज वन इज पंजाब किंग्स एंड अनदर इज फॉर मी केकेआर। आई थिंक यू सेड केकेआर अच्छा टीम है, मुझको लगा था केकेआर इस टाइम थोड़ा वीक होगा, तो मतलब मेरे लिए इट्स अ सरप्राइज आल्सो केकेआर, बट पंजाब किंग्स आई थिंक इज द बिगेस्ट सरप्राइज दिस सीजन सो फार, यस टू विंस। तो सर क्या ख्याल है उसके बारे में? हाँ पंजाब किंग्स में मुझे लगा कि धवन का फॉर्म बहुत अच्छा चल रहा है, जैसे वॉटसन भी एक ओपनिंग बैट्समैन अच्छे फॉर्म में है, लेकिन वो उस टाइप से डोमिनेट नहीं कर रहा है, लेकिन शिखर धवन का जैसे हमने देखा कि 86 और समथिंग की पारी खेली बहुत अच्छी, और उसके बॉलर्स अच्छे से एक दूसरे को वही कर रहे हैं, अर्षदीप वगैरह अच्छा है, और राहुल चहर इवन मुझे उतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन राहुल चहर काफी कंसिस्टेंट बॉलिंग कर रहा है, तो वो अच्छा टीम अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है वो आगे जाके स्ट्रगल कर सकते हैं। सेम विथ केकेआर, केकेआर अभी तक मतलब ऐसा लग रहा है कि वो लोग सिचुएशन उनके खराब थी, प्लेयर वैसे नहीं थे, लेकिन
उस हिसाब से टीम एक साथ आके बहुत मतलब अभी तक एक्सेप्शनल, जैसे हमने देखा कि रिंकू सिंह ने दो दो के दो मैच में कि आज तो अकेला जिता दिया, तो टीम अभी आई है अपने डाइवर्स उसमें एडवर्सिटी में, एक मैच में जैसे 4 विकेट गिर गए थे तो शार्दुल और रिंकू ने संभाला, तो अभी टीम लग रही है कि बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन फिर भी अगर मुझे लग रहा है सेकेंड हाफ ऑफ द टूर्नामेंट में वो डाउन जाएगी, क्योंकि है अभी भी थोड़ी सी वो मीडियोकर टीम है। अगर वो जेसन रॉय को चांस अगर देते हैं, उन्हें टीम में ले लिया है, क्योंकि ओपनिंग अभी भी वो है उनके, ओपनिंग अच्छी नहीं चल रही है, आज भले ही वेंकटेश अय्यर ने नीचे आके थोड़ा मारा, लेकिन हाँ ओपनिंग स्लॉट उनका अच्छा हो जाए तो जैसा हमने इनएक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बोल रहे थे वो अच्छा चला है फिलहाल अभी तक तो, शार्दुल एंड रिंकू सिंह। भाई केकेआर कैन बी अ सरप्राइज इन द टॉप फोर, मतलब देखना पड़ेगा कैसे और जाते। एक एक तुमने नोटिस किया वो नारायण के एक्शन को लेके भी कुछ बात चल रही है फिर से वापस इस सीजन, तो हाँ मतलब वही है देखना है। तो मैं जब मैच देखने गया था ईडन में, तो आरसीबी केकेआर का उधर भी जो इतना सारा बोल्ड हुआ ना आरसीबी का प्लेयर्स, तो नारायण का उधर भी थोड़ा मतलब इफी लग रहा था स्टैंड से भी देखने में एक्शन, मतलब बहुत मतलब ऐसे मतलब थोड़ा लग रहा था कि चक कर सकता है, मतलब ऐसे तो नहीं बोल सकते बट फील हो रहा था कि हो सकता है तो। और यही है तो, और कौन सा टीम बचा है अभी, सभी तो बोल दिया राइट। आरसीबी एंड चेन्नई, आरसीबी चेन्नई तो हमने कर लिया, आरसीबी बोलो। आरसीबी देखो, आरसीबी लाइक इट्स अ जो पहले ही बोला था गुड टीम, मतलब कोहली इन फॉर्म दैट्स अ ग्रेट साइन, तो डुप्लेसी भी अच्छा खेल रहा है, अच्छा मारता है पावर प्ले में, पावर प्ले में तो उन लोग का वही है। तो इवन द लास्ट मैच तो 4 ओवर में 42 बनाया था, फिर कोलैप्स हो गया सॉर्ट ऑफ, तो स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो उन लोग का आई थिंक अगर स्पिन थोड़ा अच्छे से खेल लेंगे वो लोग, तो आई थिंक दे विल स्कोर वेल इन द मिडिल ओवर्स आल्सो। आई थिंक पावर प्ले उन लोग का सॉर्टेड है, क्योंकि बोथ आर गुड प्लेयर्स ऑफ पेस बॉलिंग, तुम्हारा कोहली और डुप्लेसी एज वेल। तो वही है, मैक्सवेल मैक्सवेल को थोड़ा स्पिन डोमिनेट करना पड़ेगा मिडिल ओवर्स में, और लोअर एंड में वो शाहबाज अहमद ये सब प्लेयर्स जो है उन लोग का डोमेस्टिक, इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स है, वो लोग भी शायद अगर कुछ मार वार दे रन तो वी कैन स्कोर 200 अराउंड कंसिस्टेंटली, तो बैटिंग में दैट कैन बी अ थिंग। एंड बोलिंग आई थिंक सिराज को पावर प्ले में विकेट अगर एक दो ले ले तो दैट्स, आई थिंक सिराज इज मेनली अ पावर प्ले बॉलर ओनली, आई डोंट थिंक सिराज उतना भी अच्छा डेथ बॉलर है, तो वही है। तो और ये सब है, तो बोलिंग हमको उतना भी स्ट्रांग नहीं लग रहा है बट काम कर सकते हैं उसमें, मतलब ऐसे इतना भी कुछ दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुझे मुझे टीम के वही 5 to 9 वैसा मिडिल जो बैट्समैन है और कुछ एक बॉलर होगा उसमें थोड़ा सा फॉल्टी ऐसा लग रहा है कि क्योंकि टेस्ट नहीं हुआ है वो शहबाज की बैटिंग या फिर जैसा मैक्सवेल अभी तक वैसा नहीं चल रहा है और बीच में इंजरी वगैरह भी हो गई थी, तो और तुम्हारा हर्षल पटेल वैसे उस फॉर्म में नहीं लिख रहा भले ही विकेट मिल गई थी उस मैच में, तो वही है अगर वो अपना मतलब, और जैसे बाकी टीम्स में एक दो प्लेयर होते हैं डोमेस्टिक के जो अच्छा करते हैं टीम को मतलब एज अ बैलेंस बनाते हैं, वो अगर उनका बीच का बन जाए तो मुझे लगता है टॉप और नीचे के सॉर्टेड है, बॉलिंग ठीक ठाक ही हुई है और बैटिंग ऊपर से होगी। हाँ एक मैच में थोड़ा सा वो हो गया स्पिन पिस्ट और नारायण ने काफी अच्छी बॉलिंग की थी उसमें नो डाउट, तो वही है, तो सारी टीम को हमने कवर कर लिया है अच्छा रहा, लेकिन हाँ क्लोज मैचेस अभी तक नहीं हुए एक्सेप्ट दिस वन जीटी बहुत सारा वर्सेस टू केकेआर, हंड्रेड प्लस स्कोर्स देखने को मिला है अभी तक, मतलब बहुत सारा आई फर्स्ट हाफ थिंक। मिलेगा अभी आई थिंक जो इम्पैक्ट प्लेयर रूल है उससे भी थोड़ा बैटिंग हैवी हुआ है टीम्स का, मतलब जो वाइल पोस्टिंग या चेजिंग जो यूज किया है, तो देखते हैं कैसा जाता है, अभी भी जस्ट फर्स्ट वीक है, तो सो एज इट कम्स हम लोग फिर से मतलब डिस्कस करेंगे टीम्स के बारे में, देखेंगे क्या क्या हो रहा है मैचेस, होपिंग होपिंग फॉर सम क्लोज फिनिशेस एज वेल, वही है तो यस सुपर ओवर्स, सुपर ओवर्स राइट। So yeah, so thank you for watching or listening to this. So yeah, we will come back again to discuss about few more matches as the season goes on. So yeah, thank you. Bye. Bye.